पॉपट हो चुका है हमारी गाड़ी है ना, पिछला वाला टायर और टू। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू अनदर ब्लॉग। आज हम लेट उठे क्योंकि आज है संडे, तो गाइस संडे को कुछ भी काम नहीं रहता है, सुबह जल्दी नहीं जाने का रहता है, इसलिए हम आराम से उठे थे आज करीब 7:30 बजे। नला वाला आया किया था तो हमने पानी वानी भर दिया है, चाय वाय पी लिया है, उठ चुके हैं। अभी समय बज के 8:30, सारे काम हो चुके हैं। अभी हम बैठते अब चलते हैं शॉप पर, बैठेंगे आराम से। बेटू निकाल रहा है झाड़ू पूरे कमरे में, तो इधर हम बेटू ने झाड़ू निकाल दिया है सारा क्लियर, बाहर निकाल रहा है झाड़ू। तो फिलहाल में एक बात की है कि आज ठंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन कल की ठंड घुस गई थी हमारे सर में, जो अभी तक नहीं निकली है। सर दर्द कर रहा है अभी भी थोड़ा हल्का हल्का, इसीलिए हमने जैकेट भी नहीं उतारा। तो गाइस बाद में अच्छी धूप आएगी तब उतारेंगे हम जैकेट को, नहीं तो ऐसे रहने देंगे क्योंकि सर दर्द कर रहा है, ठंड नहीं लग रही, सर दर्द कर रहा है, इसलिए हमने जैकेट नहीं खोला था, इसीलिए जैकेट पहन रखा है। मेन तो ये टोपा, इसको पहनना काफ़ी ज़रूरी क्योंकि सर के लिए काफ़ी बेहद अच्छा रहेगा। जैकेट तो कुछ भी नहीं है, मेन सर है। इस रात को हमने ये लगा दिया था झंडू बाम, काफ़ी बेहद अच्छा है, तो लगाते ही हमारा थोड़ा थोड़ा आराम मिल गया है, अब नहीं दर्द कर रहा है। रात को लगाया था तो आराम मिल गया था, तो अभी हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं मिलते हैं। निकल रहा है झाड़ू, तो यहाँ पे देख सकते हो झाड़ू बाकी का निकल चुका है, यहाँ से निकालना है। धूप आ चुकी है, हमने टोपा को उतार दिया है, अब जैकेट उतारने वाले हम। तो गाइस देख सकते हो गाइस अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि गर्मी धूप जो आ चुकी है। हमारे न्यू दुकान जो अभी तक पूरी खाली है, यहाँ पे हम ऐसे बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, काफ़ी ठंडा था इसलिए हम धूप ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मीटिंग बिछाई हुई है तो हम यहाँ पे सो जाते हैं, जिससे सारी ठंड निकल जाएगी सर के अंदर से, क्योंकि सर के अंदर घुस चुकी है ठंड, इसलिए सर दर्द कर रहा है कब का ही। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, फिर अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे सो जाते हैं जिससे सारी ठंड निकल जाएगी बाहर गर्मी से। सो जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं धूप में, हल्की धूप में, हल्की छाँव में सो जाते हैं। और बेटू ऊपर है, खाना बना रहा है, क्या कर रहा देखते हैं, चलते ऊपर हल्का फुल्का आराम करते हैं। यहाँ पे पॉपट हो चुका है हमारी गाड़ी है ना, पिछला वाला टायर और ट्यूब दोनों डलवाना पड़ेगा क्योंकि ट्यूब खराब हो गया है, क्योंकि कल अभी ना हवा हमने गाड़ी चलाई थी तो ट्यूब खराब हो चुका है, अभी हवा भरी थी तो इसमें हवा नहीं टक रही है। तो गाइस अब ट्यूब और टायर दोनों डलवाना पड़ेगा, तो फिलहाल ना संडे आज डलवा देते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कल का कैसे जाएंगे। तो गाइस अभी हमने हवा भरी थी, इसमें हवा नहीं टिक रही है, जो ट्यूब हो जाना वो ख़राब हो चुका है। तो गाइस देखते हैं आज क्या होता है। तो गाइस फिलहाल में खाना वाना खाते हैं, देखते हैं खाना बना नहीं बना, ऊपर चलते हैं। बेटू ऊपर ये ऊपर खाना बना रहा है, तो बाद में ना तो फिर चलेंगे, टायर ट्यूब डलवाएंगे आज, तो फिलहाल चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या कर रहा है बेटू। अभी भूख लग रही है, 10 बज चुकी है घड़ी, खाना अभी तक नहीं खाया हमने, कुछ भी नहीं खाया सुबह से, 10 बज गई, चलते हैं खाते हैं कुछ, देखते हैं चलते हैं खाना वाना खाते हैं, क्या बना है सब्जी में। तो गाइस अरवी की सब्जी, ये रोटी, चलते हैं खाते हैं। गाइस ऊपर धूप है और अब चलते हैं अब नीचे, खाना वाना खाते हैं नीचे। तो बेटू ने खाना अभी तक नहीं खाया तो हमको भूख लग रही है, हम खा लेते हैं, चलते हैं नीचे आराम से बैठ कर यहाँ पे खाते हैं। गाइस तो हम यहाँ पे सो गए थे और बेटू चला गया है आज खेतों पर, तो आज हमारी छुट्टी है, तो हम आज रेस्ट कर रहे हैं पूरा दिन। तो अभी समय बज के हैं 12:12, बेटू गए अभी बकरे को चराने के लिए खेतों पर, खेतों में बीड़े में, तो अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ।
गाइस आज जाना भी है बाइक को सही करवाने के लिए, लेकिन बाइक को ले जा नहीं सकते क्योंकि उसमें हवा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नई बाइक को हम नहीं ले जा सकते क्योंकि उसमें हवा भी नहीं है और ले जाने में काफ़ी दिक्कत करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाकर ट्यूब टायर लेके आ जाऊँ, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल मैं नहा धोकर रेडी हो जाते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं। हमारी बाइक ले जा नहीं सकते, किसी और की बाइक पर जाना पड़ेगा, जो टायर ट्यूब ले आना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं रेडी होते हैं नहा धो के, जाने का मूड ही नहीं हो रहा है। जाना तो पड़ेगा नाइस, क्योंकि कल हमें ड्यूटी पे जाना है, तो बाइक को लेके जाएंगे। तो फिर अभी आज ख़राब है तो सही करवाना तो पड़ेगा। कल ज़रूरी है बाइक ले जाना, सुबह जल्दी जाना पड़ेगा 8 बजे। तो फिलहाल मैं अभी नहा धो के रेडी होते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या करते हैं। हम नार तो क्या रेडी हो चुके हैं। तो गाइस अब देखते हैं, जाते बाजार। सोच रहे हैं अभी कोई आता है बंदा तो चलेंगे, नहीं तो आज सारे बंदे चले गए हैं कहीं काम के सिलसिले में, कोई घर पे है ही नहीं इसीलिए। तो गाइस देखते हैं, कोई जाएगा तो हम भी जाएंगे, तो बाकी कल जाएंगे, कल तो हमें जाना ही है। आज देखते हैं क्या होता है आगे। हम रेडी हो चुके हैं और गाइस आज कहीं नहीं गए, हम घर पे ही है फिलहाल में। तो गाइस बेटू आ चुका है, बेटू गया था खेत पर, तो बेटू आ चुका है और बेटू के लिए बनाना है चाय। तो फिलहाल में चला गया है ऊपर, यहाँ पे था अभी तो अभी है नहीं, ऊपर गया होगा चाय बनाने के लिए। तो गाइस आज हम दूध लेके नहीं आए थे क्योंकि आज हम गए ही नहीं, तो कैसे दूध लेके आएंगे, क्योंकि आज संडे था और गाड़ी हमारे पंचर हो रही थी, टायर खराब हो रहा था पीछे वाला। तो आज हम गए नहीं थे तो दूध लेके आए नहीं थे, दूध लेकर आए नहीं, आज हम गए नहीं और दूध लाए नहीं। तो फिलहाल में आज बनाएंगे ब्लैक टी, काली वाली चाय, ब्लैक देसी काली चाय। तो अभी चलते हैं और ऊपर बनाते हैं। तो फिलहाल में अभी मैं बना रहा हूँ बिरयानी जो ऊपर बन रही है, और बेटू बना रहा अभी चाय जो ऊपर। चलते हैं देखते हैं क्या बन रहा है, बिरयानी या दूध, बिरयानी या चाय, क्योंकि मैं बिरयानी रख कर आया था ऊपर, पेड़ ने उतार दिया होगा। देखते हैं ऊपर जाकर बिरयानी खाएंगे आज, बहुत दिनों के बाद आज समय मिला बिरयानी बनाने का, तो हमने बना ली है। देखते हैं क्या चल रहा है ऊपर। फिलहाल में इधर हमारी बन रही बिरयानी जो हमने रख गए, मैं रख के गया था ऊपर, तो बेटू नहीं आया आज, तो गैस बेटू नहीं आया और बिरयानी को नहीं उतारा। तो फिलहाल बिरयानी को बनने देते हैं, इसके बाद हम बनाएंगे चाय। तो हम बिरयानी खाएंगे, बेटू नहीं खाता, मेरे लिए बन रही है, सिर्फ मेरे लिए, बेटू को बिरयानी पसंद नहीं है तो इसलिए ये मेरे लिए बन रही है। बहुत सारी बिरयानी, 2 जनों की बिरयानी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि तो पाउच पाउच में से आती है वो वाली बना रहा हूँ। तो 2 जनों के लिए बिरयानी बन रही है, सिर्फ हम ही खाएंगे, बेटू नहीं खाएगा क्योंकि बेटू को पसंद नहीं है बिरयानी। तो इस ये बनने के बाद हम बनाएंगे बेटू के लिए चाय, तो बेटू वो पिएगा चाय। तो गाइस बनने देते हैं और चलते हैं नीचे, आराम करते थोड़ी देर, तब तक बन जाएगी। 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद हम आएंगे, तब तक हमारा बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो हमने लकड़ी वकड़ी दे दिया है, तो आएंगे तब तैयार हो जाएगी। चलते हैं। गैस हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी, तो गैस बन चुकी है, तो लेते हैं प्लेट में निकालते हैं और गैस खाते हैं। तो हल्का हल्का पानी है, रह गया है, लेकिन हम तो ऊपर ऊपर से ले लेते हैं, ऊपर ऊपर से हमने ले लिया है। थोड़ी देर फिर से हम रख देते हैं इसको, फिलहाल में ये खाते हैं। हमारा आ चुकी बिरयानी, तो खाते हैं, चलते हैं आराम से नीचे बैठकर। तो गाइस शाम हो चुकी है, अभी हम आ चुके ऊपर। तो गाइस अभी ऊपर आ चुके हैं, अभी बेटू के डिस्कस चल रहा है, क्या बात चल रही है, और यहाँ पे बकरा था कहाँ गया है, बेटू बकरा कहाँ पे, तो बकरा अभी है ही नहीं, कहीं पे चला गया है। देख सकते हो यहाँ पे कितना ख़राब कर दिया इसने, बकरे ने, अभी है ही नहीं है। इस लौकी देख सकते हो कितनी बड़ी हो चुकी है, इतना बड़ा लौका, 2.5 फीट की लौकी देख सकते हो कितनी बड़ी। सनसेट हो चुका है, कितना प्यारा व्यू देख सकते हो, आधा सनसेट हो चुका है, आधा ही रह गया है। तो गाइस सूर्यास्त हो चुका है, चलते हैं नीचे, चलते जल्दी दूसरा काम करते हैं। अंधेरा पड़ चुका है, ऊपर बना रहा बेटू खाना अभी।
हम आ चुके रसोई के अंदर और इधर बना रहा बैठू खाना, इधर हमारे बन रही सब्जी। तो गाइस क्या बन रही सब्जी? तो आलू, तो गाइस आलू आलू की सब्जी बन रही है, जो पहले बैठू ने बाप दिए थे आलू और उसके बाद उसकी फ्राई जो सब्जी बन रही है। और इधर बैठू बना रहा है रोटी। तो हमारे तो बैठू आज हमारे लिए पराठा बनाएगा, मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए, बैठू नहीं खाता है, सिर्फ मेरे लिए आज पराठा बनाएगा। तो बैठू पराठे बनाना मेरे लिए। तो गाइस देख सकते हो सब्जी हमारी बन चुकी है, बाकी गाने सुनते हुए क्या है अंदाज है। तो गाइस बैठू अलग ही अंदाज के साथ गाने सुनते सुनते रोटी बना रहा है, खाना बना रहा है, इधर देखते देख सकते हो। गाइस आ चुके हैं, खाना वाना खाते हैं। तो गाइस देखते हैं, गाइस रोटी आ चुकी है, खाते हैं खाना, आलू की सब्जी, आलू की सब्जी पराठे। तो गाइस खाते खाना। गाइस तो हम आ चुके हैं अभी नीचे, खाना पीना हो चुका है। तो गाइस करते हैं वीडियो की एडिटिंग। हे गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो गाइस इस ब्लॉग करते हैं हम एंड। वीडियो बेचता है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय। They won't see me cry.